श्रम विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु शिविर लगाकर अधिक से अधिक पंजीकरण कराए जाएं। एक दिन में कम से कम 3 गांव में पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मंडलायुक्त ने कुशीनगर एवं देवरिया में पंजीकरण का प्रतिशत कम पाए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार उन्हें शासकीय सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रतिदिन श्रमिक पंजीकरण हेतु शिविर लगाए जाएं। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि बाल श्रम अपराध है और इस पर नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी पंजीकृत श्रमिक का कोई भी क्लेम लंबित नहीं होने चाहिए, उसका निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए और यदि निस्तारण में कोई कठिनाई आ रही है तो उसका विस्तृत उल्लेख भी होना चाहिए। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने 15 ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित किया तथा श्रमिकों के कल्याण शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में प्रधान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्राम प्रधान शासकीय योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए ग्रामीणों को उससे लाभान्वित कराएं और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ करते हुए गांव को विकसित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कमी नहीं है और कोई भी भवन अगर कहीं बन रहा हो सरकारी हो हम 1% लेते हैं, ये पहली चीज। दूसरी, कम टैक्स नहीं दे रहा है, पीएफ का सदस्य नहीं है, पीएसआई का सदस्य नहीं है, इसमें बोल के सब अभियान चल रहा है। और भारत माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण कि हमारे पास एक डेटा बेस हो, पूरा डेटा बेस बना रही है, जितने भी आपके सारे मनरेगा वर्कर आएंगे, स्कूल के सारे रसोई आएंगे, आपके पीडब्ल्यूडी के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर हैं वो सब आएंगे, जितने आपके किसान सम्मान निधि वाले हैं वो सब आएंगे अगर वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जो भी डिपार्टमेंट है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा है वो सारे के सारे लोग आ रहे हैं, आप इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। और भविष्य में सरकार बहुत सारी योजनाएं जैसे इनके मृत्यु उसमें टैक्स से संबंधित, खासकर सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि सोशल सिक्योरिटी लोगों के पास नहीं है, 60 साल के बाद उसको कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा जो पेंशन के रूप में मिले, या 60 साल से पहले डेथ हो जाए तो उसके परिवार को सहायता मिले। तो सरकार जो सोशल सिक्योरिटी पर पूरा काम करना चाह रही है पूरा करना है पाने के लिए देती है, और सभी डिपार्टमेंट के जो उनके अधिकारी हैं उनको नोडल अधिकारी घोषित करवाने के लिए फाइल दे दी है, वो सारे के सारे उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वो रिक्शा चला रहा है, वो कपड़े की इस्त्री कर रहा है, कुछ भी ऐसा है वो सारे के सारे उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। प्रतिनिधि होते जब टाइम मिलता है आप लोग जागरूक नहीं होते, क्या जा सकता, जब तक आप उस दृष्टि से नहीं चलेंगे। देखिए ये हर बार आपने देखे होंगे, जब से मैं यहाँ आया हूँ उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद, मैं हर बार यही की सोच मतलब मुझे कहने को मिलता है साहब वो जो लिस्ट बना हुआ है गड़बड़ है, मतलब बना कहाँ से बोलिए। पहले जो आवास मिलता था, इंदिरा आवास मिलता था, वो मिलता था, ये मिलता था, सब में यही लोग कहते थे कि साहब वास्तव लोग छूट गया। मैंने कहा क्यों छूट गया, क्यों गड़बड़ है,